हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ट्राई कलर डेकोरेशन के बारे में बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर दो तरीके के फ्लावर्स बनाए हैं जो कि हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ और देखिए ये कैसे बनते हैं ट्राई कलर फ्लावर्स। इस तरीके का ट्राई कलर फ्लावर बनाने के लिए आपको चाहिएगा ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज पेपर। तो चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं ये ट्राई कलर फ्लावर। इसको बनाने के लिए आपको लेनी है स्क्वायर शीट्स और साइज है हमारा, ये है हमारा 14x14 सेंटीमीटर का। 14x14 सेंटीमीटर की ग्रीन शीट आपको एक ही लेनी है, व्हाइट शीट आपको दो लेनी है, ये है हमारा 10x10 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से आप दो ऑरेंज शीट लेंगे और इसका साइज है हमारा 7x7 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप शीट्स ले लीजिए। सबसे पहले आप शीट को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लीजिए। सारी शीट साइजेस में अलग हैं, बट लेकिन करना सबको सेम वे में है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको एक और फोल्ड कर लीजिए और फिर आप इसको एक और फोल्ड कर लीजिए। सभी शीट्स को, चाहे वो व्हाइट है, चाहे ऑरेंज है, चाहे ग्रीन है, सभी शीट को आप एक बराबर फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अब हम एक स्केल लेकर के यहाँ पर बराबर एक नाप लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे लगा दिया और इधर की तरफ से भी मैंने 6 सेंटीमीटर पे लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपका इजीली ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब आपने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे करते हैं कट। अब आप इसे कट करिए इस तरीके से। और यहाँ से भी आप इसे ऐसे कट कर दीजिए, ये आपका पूरा कट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इसको करेंगे ओपन, ये इस तरीके से आपका ये बनके तैयार है। इसी तरीके से आपको सारे पेपर्स को फोल्ड करके कट करना है और इसको थोड़ा अंदर तक हम ले जाते हैं। जो हमारी लीव्स नहीं कटी हैं उनको थोड़ा और अंदर तक कट कर लेते हैं। सबको करीब करीब आप एक बराबर ही कट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, जो कट हैं वो ठीक हैं, जो नहीं हैं आप उनको थोड़ा कट कर लीजिए। तो कट करने के बाद आपको करना क्या है, इनको थोड़ा फोल्ड करेंगे हम। कैसे फोल्ड करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये सारी कट हो गई हैं। अब आप इनको थोड़ा सा बीच बीच में से ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, ये इस तरीके से। तो सारी लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और सारी शीट्स का इसी तरीके से आप बना लेंगे। सारी शीट्स यानी कि वाइट, दोनों वाइट का भी और दोनों ऑरेंज का भी आप इस तरीके से बना लीजिए, वाइट और ऑरेंज का भी। और सबको ये इस तरीके से थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप इस सबको कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप ग्रीन के ऊपर लगाएंगे अब हम व्हाइट कलर का फ्लावर। इस तरीके से अब आप इसके सेंटर में लगा दीजिए, इसके ऊपर फिर से व्हाइट लगा देंगे जिससे कि ये थोड़ा आपको अच्छा नजर आएगा। अब हम लगाएंगे ऑरेंज कलर का फ्लावर इस तरीके से और एक और ऑरेंज कलर का फ्लावर हम इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो और भी ऑरेंज कलर के फ्लावर आप इसके अंदर लगा सकते हैं जिससे कि ये आपको थोड़ा और भी ज़्यादा घना नजर आएगा। तो देखिए कितना ही सुंदर ये लग रहा है। तो आप इसे बनाइए और डेकोरेट करिए। आप इसको एज अ बैच भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर चाहें तो ब्लू कलर का सर्कल आप इसके अंदर लगा सकते हैं और नीचे दो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। तो आप भी बनाइए इसको। अब हम बनाते हैं ये वाला फ्लावर। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए देखते हैं और कैसे बना सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इजी वे से। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर का क्रेप पेपर।
आपको पेपर को कट कर लेना है इस टाइप से। आपको और ग्रीन वाला सबसे बड़ा चौड़ा लेंगे आप, व्हाइट वाला उससे छोटा और ऑरेंज वाला सबसे छोटा। फिर आपको इस पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है और आपको इसको ऐसे करके छोटी छोटी तय कर लेनी है इस तरीके से। अब हम करेंगे इसको कट, और आपको सभी पेपर्स को इसी तरीके से फोल्ड करना है और कट करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे कट, लेकिन हम ऊपर तक कट नहीं करेंगे, आप इस तरीके से कट करेंगे। देखिए मैंने ऊपर से इतना पोर्शन छोड़ दिया है। सेम यही तरीका आपको व्हाइट और ग्रीन कलर के पेपर में भी करना है। इस तरीके से आप इसको पूरा कट कर दीजिए। अब हम ऑरेंज पेपर हमारा कट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। इसको आपको इस तरीके से कट करने के बाद ऐसे घुमाते हुए आपको बनाना है फ्लावर इस तरीके से, और आप इसको ऐसे पूरा फ्लावर बना दीजिए। ये आपका तरीका है। आप चाहें, आपको लग रहा है कि ये खुल जाएगा, तो बीच में हम थोड़ा थोड़ा फेविकॉल भी लगाते जाएंगे जिससे कि ये खुलेगा नहीं। और आप इसको थोड़ा पेस्ट कर दीजिए, और इस तरीके से आपको ये पूरा फ्लावर बनाना है। तो आपका ये पूरा फ्लावर जब बन के तैयार हो जाएगा, सेम आपको यही चीज व्हाइट और ग्रीन पेपर में भी करनी है। व्हाइट फ्लावर थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा, ग्रीन फ्लावर थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा, व्हाइट वाला उससे कम और ऑरेंज वाला सबसे छोटा फ्लावर बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए और कर लीजिए पेस्ट। तो ये देखिए हमने बना लिया है। अब हम बाकी के दोनों फ्लावर्स भी बना लेते हैं। इस तरीके से ये तीनों तैयार हो चुके हैं। अब हम ग्रीन के ऊपर ये व्हाइट वाला लगा देते हैं इस तरीके से, और व्हाइट के ऊपर लगा देते हैं हम ऑरेंज वाला। तो देखिए ये आपका फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। अब आपके पास ये वाला और ये दोनों तरीके के फ्लावर्स आपके रेडी हैं। तो आप किसी भी तरीके के ट्राई कलर फ्लावर्स बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको ये बैच के रूप में यूज करना है तो आप नीचे जो है ब्लू कलर के स्ट्रिंग्स लगा दीजिए और बीच में ब्लू कलर का सर्कल लगा दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये ट्राई कलर डेकोरेशन पसंद आई होगी और आप भी इसे करना चाहेंगे। तो आप मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने और भी बहुत सारे ट्राई कलर के जो वीडियोस हैं वो पोस्ट किए हैं ट्राई कलर क्राफ्ट में और इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट में। जैसे फ्लावर्स है, रिस्ट बैंड्स हैं, बुक मार्क है आपका, और आपके और बहुत सारी तरीके की चीजें हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।